हाय किड्स, दिस इज सर श्वेप फ्रॉम सर श्वेप टीचिंग चैनल। क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ठीक है, आज मेरी वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर मैं एग्रीमेंट इन टाइप्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। देखिए, एग्रीमेंट दो किस्म के होते हैं, एक सोशल एग्रीमेंट और एक लीगल एग्रीमेंट। ठीक है, सोशल एग्रीमेंट और लीगल एग्रीमेंट से पहले आपको एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर हुआ तो ये तो कोई बच्चों का खेल है, सोशल और लीगल एग्रीमेंट। ठीक है, तो एग्रीमेंट समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आप मोबाइल खरीदने गए किसी के पास, मोबाइल की कीमत 30,000 है। ठीक है, आपने उनसे पूछा कि आप मोबाइल बेचेंगे, तो उन्होंने कहा जी सर मोबाइल मैं बेचूंगा। तो किस तरह एग्रीमेंट बनता है मैं आपको बताता हूँ। देखिये, आपने ऑफर की कि आप मोबाइल बेचेंगे, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया जी सर मैं बेचूंगा। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे के साथ वादा किया, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, वो प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाए तो एग्रीमेंट बन जाता है। अभी कंसिडरेशन क्या चीज होती है? कंसिडरेशन होता है फायदा, इन रिटर्न में क्या मिल रहा है। देखिये, हर बंदे को इन रिटर्न में कुछ मिलता है। ठीक है, दुकानदार को रिटर्न में क्या मिलेगा? पैसा। और आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? मोबाइल। तो दोनों की कंसिडरेशन है, दोनों का फायदा कुछ ना कुछ है। तो उस वादे के साथ अगर कंसिडरेशन मिल जाती है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अब एग्रीमेंट के बाद हम सोशल और लीगल एग्रीमेंट के ऊपर आते हैं। देखिए, सोशल एग्रीमेंट के लिए भी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पर दो दोस्त थे, उन्होंने कहा कि एक दोस्त को शाम को दावत पे इनवाइट किया कि मेरे यहाँ खाने पे आना, लेकिन वो नहीं आया कोई भी वजह के बुनियाद के ऊपर। आपने सुबह पूछा कि भाई आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ काम आ गया था। लेकिन आप ये कोर्ट में आप इसके ऊपर केस नहीं कर सकते। ठीक है, तो सोशल एग्रीमेंट क्या होते हैं? जो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, अगर कोई उसकी खिलाफ वर्जी करे वादे की तो उसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता, तो वो कहलाता है सोशल एग्रीमेंट। ठीक है, और लीगल एग्रीमेंट क्या होता है? जिसके अंदर कानून हरकत में आता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। ये भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पे आपने वो मोबाइल किसी अपने मोबाइल वाले को पैसे दिए दिए, मिसाल के तौर वही मिसाल लूंगा मोबाइल की, आपने 30,000 रुपए वो मोबाइल को उसको दिए दिए, लेकिन उसने वो मोबाइल नहीं दिया, तो फिर आप कानूनी चारा जोई का हक रख सकते हैं, कानून हरकत में आ सकते हैं, क्योंकि आपने तो पैसा दे दिया, उसने अपना काम नहीं किया। ठीक है, तो क्या कहते हैं, लीगल एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर कानून हरकत के अंदर आता है। ठीक है, कानून लागू होता है तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन आसान वर्ड में जितने पैसा इन्वॉल्व हो जाता है वो लीगल एग्रीमेंट होता है, और जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता वो सोशल एग्रीमेंट होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। टेक केयर, गुड बाय।